हाय फ्रेंड, जो हम ट्रांसपेरेंट पीएनजी वाली फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी उसका बैकग्राउंड ब्लैक आ जाता है, यानी काला आ जाता है। तो उसे पूरी तरह कैसे ट्रांसपेरेंट करें और कैसे यूज करें, हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो गाइस, आ गए हैं हम लोग स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक फ़ोटो लेता हूँ जिसकी स्क्रीन केवल ब्लैक है। आपको केवल जैसे कि वो आप फ़ोटो लेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट आप समझ के डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो होती नहीं, आर पार उसमें नहीं दिखता, काली काली उसके साथ बैकग्राउंड आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये काला बैकग्राउंड आ गया। हम इसे ऐसा करेंगे कि जो पीछे का बैकग्राउंड काला है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमें आना है क्रोम ब्राउज़र पे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसमें आने के बाद मेन प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम ही है रिमूव बीजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी कुछ वेबसाइट ये दिखती है। तो आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आप इमेज को ब्राउज पे क्लिक करिएगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये थ्री रो दिख रही, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जहाँ भी आपकी फ़ाइल है वहाँ पहुँचना है, जैसे कि हमारी एंड्रॉयड और यहाँ पर रही है फ़ाइल, और मैं करूँगा ओके। उसके बाद ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इस फाइल का फॉर्मेट जीपीजी होना चाहिए, आप देख लीजिएगा कैसे वो कन्वर्ट कर देते हैं जीपीजी में फ़ाइल को। आप सिंपली गूगल पे सर्च मार सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा हो गया। मैं अब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये डाउनलोड हो गया। मैं ऊपर से देखता हूँ, जी डाउनलोड हो गया। तो हम चलते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से ही काली लगाई हुई थी फ़ोटो। अब मैं वो जो नई डाउनलोड किया हूँ वो फ़ोटो लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और ये मैं जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करूँगा, देखिए गाइस ये हो गई ट्रांसपेरेंट। अब देख सकते हैं यही फ़ोटो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप जो भी आपको तकलीफ़ है, कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।